नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की क्लास नंबर 14। आज मैंने 261 से 280 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस 260 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ जाके हमारी प्रीवियस 13 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आ रहा है आपके लिए, वेरेक्टेड डायोड्स आर कॉमनली यूज एज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस, करेंट कंट्रोल सोर्स, वोल्टेज मल्टीप्लायर और कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स, एंड द आंसर इज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस। ठीक है, याद रखिएगा वेरेक्टेड डायोड जो रहता है वो वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस, उसका अगर आप सिंबल देखेंगे तो उसमें कैपेसिटेंस लगा होता है। ठीक है, कैपेसिटर लगा होता है, तो वेरेक्टेड डायोड मतलब कैपेसिटर लगा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द क्रिएशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ एन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयोन और फ्री इलेक्ट्रॉन। द आंसर इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ऑर्बिट इन सेकेंड ऑर्बिट इज इट्स शेल, नॉट ऑर्बिट, इट्स शेल। ओके, 2, 8, 18, 32। द आंसर इज 8। ओके, यू ऑल नो 2, 8, 18, 32 लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट रूम टेम्परेचर अ सिलिकॉन क्रिस्टल एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और नन। इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल इज ऐसा यूनिट ऑफ, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल फोन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ DC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेल, सो निकल कैडियम सेल इज नॉट अ सेकेंडरी सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन डॉप्ड विथ ट्राइवल एंड इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके, इट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ट्राइवेलेंट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इज, दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्टर एटम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइवेलेंट एटम। ओके, एक्सेप्टर मीन्स ट्राइवेलेंट, एक्सेप्टर मीन्स दे एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर नेम ऑफ पीएन क्रिस्टल इज जंक्शन डायोड, रिमेंबर इट, जंक्शन डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टिव फिल्टर पासेज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी and a certain range of higher frequency, name the active filter, band pass, low pass, band stop or high pass. Answer is band pass. Okay, next question, compensation to an op amp means reduced bandwidth, increased bandwidth, positive bandwidth or none. It means reduced bandwidth. Okay, compensation means reduced bandwidth. Next question, in JK flip flop having the conditions when A input and B input is 1, the state is, it is toggle state. Okay, next question, adders and subtractors are following circuits, they are combinational circuits. Okay, okay. Next question, the name of relative permittivity is specific inductance capacity, relative permittivity means reluctance, specific inductive capacity. Okay, next question, which of the following is used to generate a pulse whenever triggered, monostable vibrator, oscillator, a stable vibrator or bistable vibrator? The answer is monostable vibrator. Okay, next question, line of flux that do not follow the intended path is called, it's called leakage flux. Okay, the flux which do not follow the intended path is called leakage flux. Okay, next question, the time required to complete 1 cycle of waveform is called period. Okay, it's called period. Next question, a transistor acts as a dash when saturated, it acts as a low resistance when saturated. It is an important question, remember it. A transistor acts as low when saturated. Okay, resistance. The last question, a ring counter where the output
is inverted and tied back to the input is called its Johnson counter. Okay, its Johnson counter. So दोस्तों ये थे हमारे questions. आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे. Thanks for watching it. Keep learning. Don't forget to like our video, share among with your friends. Thank you so much. Goodbye.